नमस्कार, मैं हूँ जानवी और आप देख रहे हैं शुनली संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। स्टूडेंट से फिर गुलजार हुआ शुनली यूनिवर्सिटी कैंपस। छुट्टियों के बाद वापस यूनिवर्सिटी लौटे स्टूडेंट्स। इंडक्शन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्टूडेंट्स के लिए अहम सूचना, नहीं चलेगा गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन। गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट्स का पोर्टल किया गया ब्लॉक। डॉक्टर ललित शर्मा ने बढ़ाया मान। अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर एसोसिएशन सम्मेलन में पेश की रिसर्च। चांसलर पीके खोसला ने डॉक्टर शर्मा को दी बधाई। बीटेक की स्टूडेंट प्रियक्षी ने किया कमाल। आईआईटी मद्रास में टॉप 20 पिचर्स में हुई शामिल। प्रतिष्ठित कार्बन जीरो चैलेंज के लिए हुआ सिलेक्शन। बाद शुनली यूनिवर्सिटी कैंपस एक बार फिर स्टूडेंट से गुलजार हो चुका है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इंडक्शन प्रोग्राम के साथ स्टूडेंट्स का स्वागत किया। शुनली यूनिवर्सिटी ने अपने यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे आकर्षक और समावेशी अनुभव बनाने के लिए इंडक्शन किया गया था। इस कार्यक्रम की संरचना स्टूडेंट्स का कैंपस में स्वागत करने, एकेडमिक ईयर के लिए माहौल तैयार करने और उनकी एकेडमिक और पर्सनल चिंताओं को दूर करने के लिए की गई थी। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी की प्रमुख हस्तियां शामिल हुई, जिनमें डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर पूनम नंदा, चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला और सभी फैकल्टी मेंबर्स शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने प्रेरक भाषण दिए, जिसमें यूनिवर्सिटी के दृष्टिकोण, मिशन और एकेडमिक एक्सीलेंस के प्रति समर्पण पर प्रकाश डाला। एकेडमिक और असेसमेंट गाइडलाइंस कार्यक्रम का मुख्य फोकस थे। इस सेशन में स्टूडेंट्स को ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ अपनी शैक्षणिक यात्रा को उत्साह के साथ पूरा करने के लिए सशक्त बनाया। इसके बाद हर डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग सत्र भी आयोजित किए गए। फैकल्टी मेंबर्स ने कोर्स स्ट्रक्चर, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल करियर पाथ्स पर बातचीत की। इस सेशन में स्टूडेंट्स को अपनी शैक्षणिक यात्रा की व्यापक समझ हासिल करने और अपनी चुनी हुई फील्ड्स में आत्मविश्वास महसूस करने में मदद मिली। कैमरा पर्सन हर्ष और दिशा के साथ वंशिका, शुनली संवाद, सोलन। आपको बेहद अहम जानकारी देने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन के लिए अनऑथराइज्ड साधनों का इस्तेमाल किया है, उनके पोर्टल्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता का। रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुनील पुरी की तरफ से उन स्टूडेंट्स के लिए एक अहम घोषणा की गई है, जिन्होंने फेशियल मोड का इस्तेमाल करके मौजूदा सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। सभी नॉन फेशियल रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी गई है और उनके पोर्टल ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन के लिए फेशियल को छोड़कर किसी दूसरे जरिए समेत गलत साधनों का इस्तेमाल किया है, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स को व्यक्तिगत रूप से तुरंत आईटी विभाग में जाकर मौजूदा सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों के लिए खुद को फिर से रजिस्टर कराने की जरूरत है। रजिस्ट्रार के मुताबिक यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह एक बार की छूट है और प्रावधान सिर्फ 5 अगस्त तक लागू रहेगा, आगे कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को क्लासेस में बैठने और एग्जाम्स में बैठने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ पलक, शुलिनी संवाद, सोलन। अब हमारे पास है अंकित, जो हमें प्रियक्षी के बारे में बताएंगे, जिसे प्रतिष्ठित कार्बन जीरो चैलेंज के लिए आईआईटी मद्रास में टॉप 20 पिचर्स में से एक के रूप में चुना गया। बीटेक एसआरपी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट प्रियक्षी शर्मा ने डेटा साइंस और कृषि के चौराहे पर एक असाधारण विचार का प्रदर्शन किया। 40,000 आवेदकों में से उन्हें प्रतिष्ठित कार्बन जीरो चैलेंज के लिए आईआईटी मद्रास में अपनी अभिनव अवधारणा का प्रदर्शन करने के लिए 20 पिचर्स में से एक चुना गया था। 3 असफल कोशिशों के बाद वह अपने अटूट समर्पण से सफलता हासिल करने में सफल रही, लेकिन उनके हार न मानने के रवैये ने ही उनका हौसला बनाए रखा। उनके गुरु डॉक्टर अनित्य शर्मा ने भी उनके प्रयासों में एक महान भूमिका निभाई, जिसके चलते उन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई। डॉक्टर अनित्य शर्मा ने कहा कि चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला, वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला और यूनिवर्सिटी प्रशासन के अटूट विश्वास और समर्थन के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं होती।
उन्होंने कहा कि उनका निरंतर प्रोत्साहन सफलता में सहायक रहा। कैमरा पर्सन के साथ वेद शूलिनी, संवाद सोलन। बढ़ते हैं आगे। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललित शर्मा ने एम्स्टर्डम में 2023 अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर एसोसिएशन सम्मेलन में अपनी रिसर्च पेश की। पेश है एक खास रिपोर्ट। फार्मास्यूटिकल साइंसेज फैकल्टी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ललित शर्मा ने एम्स्टर्डम में 2023 अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर एसोसिएशन सम्मेलन में अपनी रिसर्च पेश की। अपनी प्रस्तुति के साथ डॉक्टर शर्मा और शूलिनी यूनिवर्सिटी ने अब अल्जाइमर रोग इलाज में सुधार की दिशा में अहम योगदानकर्ताओं के रूप में मान्यता हासिल कर ली है। डॉक्टर शर्मा की प्रस्तुति एमिलॉइड बेटा के एकत्रीकरण को रोकने के लिए डिजाइन किए गए नए यौगिकों को विकसित करने पर केंद्रित थी, जो एडी प्रगति में एक अहम कदम है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने डॉक्टर शर्मा को उनकी रिसर्च के लिए बधाई दी। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अंकित, शूलिनी संवाद सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे प्रियांशी के पास, जो हमें अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में जानकारी देने जा रही हैं। हां जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशी और मैं बताने वाली हूँ आपको रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। सैटरडे स्टोरीज बाय आरजे तान्या, ऑडियो भ्रमण बाय आरजे मिताली, द हिडन ट्रूथ बाय आरजे आदर्श, द मिस्ट्री शो बाय आरजे नीरज। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पर, आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।